स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर। तो इसके पहले वीडियो में हमने समास एवं उसके प्रकार में दो समास के बारे में बता रखा है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो आपको आगे समझने में और आसानी रहेगी। तो हमने वहां पर समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में तथा अव्यय भाव एवं तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। ठीक है, तो आगे हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे समास का नाम है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। करा देखिए हम लोग समास में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक समास के दो पद होते हैं, पहला पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। परिभाषा में कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण का मतलब है कि संख्या की विशेषता बताता है। जिस समास का पहला पद संख्या की विशेषता बताता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से पंचवटी, तो देखिए ये पंच पूर्व पद है, ये वटी उत्तर पद है, यानी पंच पहला पद है वटी दूसरा पद है। तो पंचवटी में पंच जो है ये संख्या की विशेषता बता रहा है कि पंच मीन्स पांच, वटी माने वट यानी वृक्षों का समूह। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पांच वटों का समूह। ठीक है, दूसरा उदाहरण है चौमासा। तो यहाँ चौ का अर्थ है चार, मासा मतलब होता है माह अर्थ महीना, तो चार माहों या चार महीनों का समूह। अगला है त्रिभुज, तो यहाँ पहला पद है त्रि, त्रि मतलब होता है तीन, भुज माने भुजा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा तीन भुजाओं का समाहार। अगला है सत सही, सत मतलब होता है सौ, सही माने सही की रचना अर्थात सात सौ, सत्सई का शाब्दिक अर्थ होता है सात सौ, तो सत्सई सात सौ दोहों का समूह। षड रस, यहां षड मतलब होता है छह, रस माने रस, तो छह रसों का समाहार। पंजाब, पंच पंजमिस होता है पांच, तो पांच आबू, जब माने आब अर्थात नदियों का समूह, पंजाब पांच नदियों का समूह। द्विगु, तो द्वि मतलब दो और गु माने गुण, दो गुणों का समूह। तिरंगा, तीन तीन रंगा माने रंग, तीन रंगों का समूह। दो पहर, दो पहरों का समूह। ये रहा द्विगु समास। हमने एक एक के बारे में बताया कि देखिए ये पहला पद होता है संख्यावाची विशेषण, इसलिए यहां कौन सा समास है, द्विगु समास है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, कुछ समास ऐसे भी होंगे जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, जैसे दशानन, तो उसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण है फिर भी वो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को संज्ञा दी गई रहेगी तो वहां हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। आगे इसके बारे में देख रहे हैं। तो आगे है चौथे समास का नाम है द्वंद समास। अब देखिए क्या होता है कि द्वंद समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करते समय और शब्द का लोप हो जाता है। कि द्वंद समास क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान मतलब होता है मुख्य विशेष, और जब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो और शब्द का लोप हो जाता है। लोप का मतलब और शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे न्यूनाधिक, तो न्यून और अधिक, न्यून माने कम अधिक में से ज्यादा, तो यहाँ न्यूनाधिक समास विग्रह हो जाएगा न्यून और अधिक। भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। धर्माधर्म, धर्म और धर्म। देवासुर, देव और असुर। दीन रात, दीन और रात। तो जैसे आपको द्वंद समास में ये ध्यान देना है कि द्वंद समास का कोई भी उदाहरण रहेगा
तो ज्यादा से ज्यादा उसके बीच में ये योजक चिन्ह आएगा। तो यही द्वंद्व समास की पहचान है कि दो दो जो शब्द दिया रहेगा दोनों के बीच में अक्सर योजक चिन्ह दिया रहेगा, नहीं तो विलोम शब्द दिया रहता है। ठीक है, तो ये रहा द्वंद्व समास। आगे देखते हैं, तो अगले समास का नाम है कर्मधारय समास। देखिए क्या होता है कि इस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहां आपको एक समझने वाली बात है कि एक शब्द आया है विशेषण और दूसरा शब्द है विशेष्य। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है कर्मधारय समास। देखिए, नील लोहित, नील माने नीला, लोहित माने लहू, लहू लहू अर्थात खून, नीला है लहू जिसका, परमात्मा परम है जो आत्मा, समास विग्रह होगा तो उसमें है जो शब्द जुड़ेगा कर्मधारय समास में। नव वधु, नई है जो वधु, निराशा नहीं है जो आशा या नहीं है जिसकी आशा। तो कर्मधारय समास में इतना है आपको ध्यान देना है कि जो दोनों पद होंगे, जो दोनों पद होंगे इसमें जो पहला पद होगा ये विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण कैसे, नील माने नीला, परम माने श्रेष्ठ, नव माने नहीं, नया नीर माने नहीं। ये संज्ञा सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बताई दे रहा, और किसकी विशेषता बताई दे रहा है, यहाँ आत्मा की, यहाँ लहू की, यहाँ वधु की, यहाँ आशा की। ठीक है, तो ये रहा कर्मधारय समास। तो देखिए आगे, आखिरी समास का नाम है बहुव्रीहि समास। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, हमने अभी कर्मधारय समास पढ़ा और बहुव्रीहि समास, में बहुव्रीहि समास में आपको ध्यान देना, आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कभी क्लियर करेंगे। देखिए, बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को जिसने हाथों में धर लिया है वो कौन है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को संज्ञा दी गई, किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया है। गिरिधर, पर्वत को जिसने धारण कर लिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। घनश्याम, घन के समान है जो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। निर्धन, नहीं है धन जिसके पास, अर्थात कोई गरीब व्यक्ति। षडानंद, षड माने छह, आनंद माने मुख, छह है मुख जिसके, अर्थात भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के छह पुत्र, छह सिर हैं, छह आनंद है, अर्थात छह मुख। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, जिसने सृष्टि की रचना की, अर्थात जो सभी ईश्वर में क्या है, श्रेष्ठ है, जिसने सृष्टि की रचना की, अर्थात कौन, तो ब्रह्मा। पंचानन, पंच मीन्स पांच, आनन माने मुख। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि पहला पद यहां संख्यावाची विशेषण है लेकिन किसी को संज्ञा दी गई है। तो इसमें आपको यही ध्यान देना है कि पहला पद संख्यावाची विशेषण है लेकिन किसी को संज्ञा दी गई है तो हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। अगर संज्ञा नहीं दी गई है, पहला पद संख्यावाची विशेषण है, तब द्विगु समास। ठीक है, तो पंच मीन्स पांच, आनन माने मुक्त, पांच आनन है जिसके, अर्थात भगवान शंकर के। नीलकंठ, नील माने नीला, कंठ माने गला, नीला है कंठ की जिसका, अर्थात भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, या चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण किया है जिसने, अर्थात भगवान शिव ने। विषपाई, विष को, विष यानी जहर, जहर को पी लिया है जिसने। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। विषपाई अगर पूछेगा तो भगवान शिव ने जहर को पी लिया था इसलिए उन्हें विषपाई कहा जाता है। अगला है बीड़ा पड़ी,
निपीड़ा है जिसके पैरों में श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, उसे अर्थात सरस्वती। तो यहाँ हमने जो भी उदाहरण बताया, देखिए प्रत्येक न प्रत्येक शब्द में किसी न किसी को संज्ञा दी गई है। तो ये है बहुव्रीहि समास। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।